दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1500 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में अपने कितने रुपए का खर्च आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आखिरी में हम ये भी देखने वाले हैं कि दोस्तों आखिरकार हम लाखों रुपए का खर्च कर कर अपना जो छत ढलाई करा रहे हैं, इस छत का हमें लंबे समय तक लाभ कैसे मिल सके। क्योंकि दोस्तों अभी हो क्या रहा है कि छत ढलाई के तुरंत बाद या फिर कुछ समय पश्चात ही छत में पानी टपकने लगता है, छत में सीलन आने लगती है, छत में लीकेजिंग होने लगती है। तो इस प्रकार की दोस्तों समस्या आपके छत में ना हो, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी आखिरी में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि 1500 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में अपने कुल कितने रुपये का खर्च आने वाला है। तो जैसे कि हम पहले बात करेंगे सेंड यानी बालू यानी रेत की, तो अपना ये कितना लगने वाला है 1500 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में। तो दोस्तों अपना जो बालू लगेगा यानी जिसको हम रेत भी बोलते हैं दोस्तों, तो ये लगेगा अपने 1500 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में, तो ये लगेगा दोस्तों अपने 450 CFT बालू लगेगा। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह चल रहा है अभी फिलहाल 50 रुपये पर CFT के हिसाब से चल रहा है। इस हिसाब से इसका अगर हम गुणा करते हैं तो इसका जो खर्चा अपना आने वाला है तो वो आएगा अपने 22,500 रुपये का दोस्तों। अपने बालू यानी सेंट बनता है 1500 स्क्वायर फीट के लिए। वहीं आगे बात करेंगे एग्रीगेट यानी गिट्टी की, जो कि अपने लगने वाला है दोस्तों 550 CFT एग्रीगेट लगने वाला है। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 40 रुपये पर CFT के हिसाब से फिलहाल मार्केट में मिल रहा है। इस हिसाब से इसका अगर हम गुणा करते हैं तो 22,000 रुपये की दोस्तों अपने एग्रीगेट यानी गिट्टी बनती है दोस्तों 1500 स्क्वायर फीट छत ढलाई के लिए। आगे हम बात करेंगे सीमेंट की, तो सीमेंट अपना लगने वाला है वह लगेगा दोस्तों 120 बैग अपना सीमेंट लगने वाला है। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 400 रुपये पर बैग के हिसाब से फिलहाल अभी मिल रहा है। इस हिसाब से इसका हम गुणा करते हैं तो 48,000 रुपये की दोस्तों अपने सीमेंट बनती है दोस्तों 1500 स्क्वायर फीट छत की ढलाई कराने में। दोस्तों ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, यह अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ आप चेक कर लीजिएगा कि आपके मार्केट में क्या रेट चल रहा है। फिलहाल जहाँ मैं रहता हूँ ये चल रहा है, इस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि 1500 स्क्वायर फीट के लिए कुल कितना खर्चा अपना आने वाला है। आगे हम बात करेंगे बाइंडिंग वायर की, जो कि पतला तार होता है। तो 1500 स्क्वायर फीट की छत की जाल अगर हम बांधते हैं तो इसमें जो अपना पतला तार लगता है वो लगेगा दोस्तों 13 किलोग्राम। चूंकि दोस्तों ये नंबर से आता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये 18 नंबर अपना लगने वाला है। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपये किलो के हिसाब से फिलहाल मिल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर दोस्तों 1300 रुपये का अपना पतला तार यानी बाइंडिंग वायर बनता है दोस्तों 1500 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में। वहीं दोस्तों आगे हम बात करेंगे सरिया यानी स्टील की, चूँकि 1500 स्क्वायर फीट के लिए 12 क्विंटल दोस्तों अपना सरिया लगने वाला है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 mm का कैलकुलेशन आपको मैं बता रहा हूँ। यदि दोस्तों आप 12 mm लगाना चाहते हैं या फिर 10 mm प्लस 12 mm दोनों आप मिक्स लगाना चाहते हैं आधा आधा, तो आप दोस्तों मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वहाँ आपका मैं जवाब तुरंत ही दे देता हूँ। दोस्तों मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ 10 mm का तो 12 क्विंटल लगेगा। और ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ दोस्तों, 6 बाय 6 इंच की जो जाली होती है, यानी दोस्तों इस प्रकार से हम जाली बांध देते हैं एक सरिये से दूसरे सरिये की जो डिस्टेंस है इस प्रकार से चारों तरफ से, और 6 बाय 6 इंच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 1500 स्क्वायर फीट छत के लिए 12 क्विंटल अपना सरिया लगने वाला है, वो भी 10 mm का। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 65 रुपये किलो के हिसाब से फिलहाल अभी मिल रहा है। इस हिसाब से इसका अगर हम गुणा करते हैं दोस्तों, तो अपना स्टील का खर्चा आने वाला है 78,000 रुपये का दोस्तों अपना स्टील का खर्चा आने वाला है 1500 स्क्वायर फीट के लिए। वहीं आगे हम बात करेंगे कोर ब्लॉक की, जो कि बहुत ही अहम होता है अपने छत के लिए, तो यह लगने वाला है दोस्तों 1500 स्क्वायर फीट के लिए 250 नग अपना लगने वाला है। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मात्र 2 रुपये में फिलहाल अभी मिल रहा है।
इस हिसाब से इसका अगर गुणा करते हैं तो मात्र दोस्तों 500 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन दोस्तों ये जो बहुत ही उपयोगी होता है, इसका उपयोग हम अपने जो सरिया होता है उस सरिया के नीचे लगाते हैं। इसके लगाने से दोस्तों बहुत सी जगह आपने देखा भी होगा कि छत ढलाई के कुछ समय पश्चात या फिर साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद सरिया नीचे दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार की समस्या आपके ना हो तो आप कोर ब्लॉक जरूर से लगाइएगा। मात्र 2 रुपये का आता है, मात्र 500 रुपये का अपना खर्चा आता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही उपयोगी अपना ये होता है। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर पिस्टिक की, जो कि एक लिक्विड आता है, तो ये हम छत में मिलाते हैं दोस्तों। तो 1500 स्क्वायर फीट के लिए ये लगेगा दोस्तों अपने 15 लीटर। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो रेट चल रहा है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से फिलहाल चल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर 2250 रुपये का दोस्तों अपने डॉक्टर पिस्टिक बनता है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपने नाम तो सुना ही होगा डॉक्टर पिस्टिक का, LW+101 आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, बहुत सारी सीमेंटों ने भी अपने अपना एक लिक्विड निकाल रखा है। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों डॉक्टर पिस्टिक LW+101 का रेट, और 15 15 लीटर लगेगा दोस्तों अपने 1500 स्क्वायर फीट के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों हम सभी का अगर योग करते हैं अपने 1500 स्क्वायर फीट छत ढलाई के लिए, जो मटेरियल अपना लग गया बालू गिट्टी सीमेंट पतला तार सरिया कवर ब्लॉक और डॉक्टर पिस्टिक का, तो टोटल जो ये खर्चा मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ कि कितना अपना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों टोटल जो अपना खर्चा लगने वाला है 1,74,550 रुपये का इसमें अपना खर्चा आने वाला है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अपना जो छत है वो हम आखिरकार दोस्तों हम लाखों रुपए का खर्च कर, यानी 1,74,000, यानी आप लगभग मान लीजिए 2 लाख रुपए का अपना लगभग खर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने लेबर भी नहीं जोड़ा है और लाइट का कॉस्ट भी मैंने नहीं जोड़ा है। तो लगभग हम मान लेते हैं 2 लाख रुपए का खर्च कर अगर आप 1500 स्क्वायर फीट का छत ढलाई करा रहे हैं, तो इस छत का लाभ आपको लंबे समय तक मिले, इस जो आप छत ढलाई करा रहे हैं इस छत में किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी ना हो, जैसे कि पानी टपकना, छत में सिलन आना, तो इस प्रकार की समस्या आपकी ना हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको बहुत ही अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप इसको अवश्य फॉलो करें, चाहे मिस्त्री कुछ भी कहे, ठेकेदार कुछ भी कहे, आपका घर है, आपका पैसा है, आपका मकान बना रहे हैं, आप छत ढलाई करा रहे हैं, तो आपका पैसा लग रहा है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, चाहे मिस्त्री कुछ भी कहे या फिर ठेकेदार कुछ भी कहे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि अपना जो छत है, मान लीजिए दोस्तों अपना ये प्लाट है, इस प्रकार से अपना प्लाट होता है, तो अपना जो प्लाट का जो छत का जो थिकनेस है दोस्तों 5 इंच से बिल्कुल भी आपको कम नहीं रखना है। और ये कंडीशन आती है दोस्तों अपने प्लाट के चारों तरफ से अपना 5 इंच का छत ढलाई होना चाहिए, वो बेटर होता है छत के लिए। उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आखिर हमें 5 इंच क्यों अपना छत का थिकनेस रखना चाहिए। आप चाहे तो आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो जानकारी देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोस्तों जो हम छत ढलाई कराते हैं, मिक्सर मशीन अपना आता है, लेबर आती हैं, तो वहाँ होता क्या है कि वो जो लेबर आती हैं तो उनका क्या है कि जल्दी से काम पाने के चक्कर में जैसा चाहे मन चाहे माल वो मिलाकर अपने को भेज देते हैं, अपना छत ढलाई कर देते हैं, तो जिस कारण से दोस्तों बहुत सी बार अपना जो छत है वो कुछ समय पश्चात ही छत में लीकेजिंग आने लगती हैं, छत में सिलन आने लगती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि जो सेंट यानी कि जो बालू होती है, यानी जो रेत होती है अपनी ये वाली, तो इसके मुकाबले आपको एग्रीगेट की मात्रा हमेशा बढ़ा के लेनी है दोस्तों, वही अपना माल छत के लिए बेस्ट होता है। और दोस्तों यदि आप सेंट के मुकाबले एग्रीगेट की मात्रा दोस्तों ज़्यादा लेते हैं तो अपना जो छत है वो मजबूत बनेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके छत में नहीं आएगी। दोस्तों एक एग्रीगेट ही अपना पूरे मटेरियल में ऐसा पार्ट होता है कि इसी के कमी के कारण दोस्तों अपना छत है वो फेल होता है, और इसी के अगर हम सही से डालते हैं, इसका उपयोग सही से हम करते हैं, तो अपना छत है वो मजबूत बनता है, सालों साल अपना चलता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं आपको जानकारी देता हूँ हर वीडियो में देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका जो छत है वो किसी प्रकार की आपके छत में समस्या हो। आखिरकार दोस्तों आप लाखों रुपये का खर्च करके अपना छत ढलाई करा रहे हैं, तो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या आप छत में ना हो। दोस्तों वीडियो में अगर जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको जानकारी दी है
इसमें अगर आपका कोई संशय है, अगर आपकी कोई मंशा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।